आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करना जरूरी होता है, इसलिए जब भी मिट्टी चढ़ाए उसके 2-3 दिन बाद हल्की सिंचाई जरूर कर दें। मिट्टी चढ़ाने के तुरंत बाद सिंचाई करने की बजाय जड़ों को 3-4 दिनों तक हवा लगने दें और मिट्टी को थोड़ा सूखने दें, फिर सिंचाई करें। फसल की बाकी सिंचाई मिट्टी के प्रकार और खेत की नमी के अनुसार 10-12 दिन के अंतराल पर हल्का पानी लगाकर करते रहें। अगर बीच में बारिश हो गई हो तो सिंचाई सिर्फ जरूरत के अनुसार ही करें। किसानों को सिंचाई अपने विवेक का प्रयोग करते हुए और अपने खेत की मिट्टी के नमी और फसल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। पहली और अंतिम सिंचाई को छोड़कर हर सिंचाई में पानी के साथ 20 डेसिमल खेत में 30 लीटर ताजा बनाया हुआ जीवामृत नाली में मिलाकर जरूर डालें। इसे डालने के लिए एक प्लास्टिक के केन या मिट्टी के घड़े में एक बारीक छेद कर उसे सिंचाई के नाली में इस तरह रखें कि जीवामृत का घोल धीरे धीरे सिंचाई के पानी के साथ मिलकर खेत में पहुंच जाए। आलू की फसल में अंतिम सिंचाई फसल उखाड़ने से 10 से 15 दिन पहले के करीब बंद कर देनी चाहिए। यह अवस्था आमतौर पर जो आलू की वैरायटी लगाई जाती है उसमें 100 से 110 दिन के आसपास आ जाती है। ऐसा करने से आलू के कंदों का छिलका कठोर हो जाता है और उखाड़ते समय उनके छिलकर खराब होने का डर कम होता है। आलू के भंडारण में भी इससे सुविधा होती है और आलू को लंबे समय तक रखा जा सकता है। कुछ किसान आलू उखाड़ने में सुविधा हो इसलिए मिट्टी को नरम करने के लिए खुदाई से ठीक पहले सिंचाई कर देते हैं। यह प्रक्रिया ठीक नहीं है, इससे आलू के कंद ठीक से नहीं बन पाते हैं और आगे चलकर आलू के सड़ने का खतरा होता है। जिन किसानों ने अपने खेत में हाइड्रोजेल का प्रयोग किया है उन्हें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। जिन किसानों के खेत में हाइड्रोजेल का प्रयोग नहीं किया गया है वहाँ अगर 1 हफ्ते में सिंचाई की जरूरत पड़ती है तो हाइड्रोजेल प्रयोग किए गए खेत में वो सिंचाई की आवश्यकता 10 से 12 दिन बाद ही पड़ेगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि जमीन सूखी दिखाई दे और ऐसा होने पर किसान सिंचाई करने का निर्णय ले लें, लेकिन ऐसा ना करें बल्कि आप पौधे की जल की या सिंचाई की आवश्यकता को देखकर ही सिंचाई करें। हाइड्रोजेल प्रयोग किए गए खेतों में कम सिंचाई की आवश्यकता होगी, मिट्टी सूखी होने के बाद भी पौधे हरे भरे बने रहेंगे। इस प्रकार आप भी अपने आलू के फसल को समय पर और जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर इसके उपज को बढ़ा सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कीट एवं रोग प्रबंधन कैसे किया जाता है। समझौता न करने वाली बातें, आलू लगाई गई क्यारियों या नालियों में सिंचाई के समय अधिक से अधिक उसकी ऊंचाई के 2/3 भाग तक ही पानी भरना चाहिए। आलू लगाने के 40 से 50 दिन बाद से 1 महीने तक आलू में कंद लगने का समय होता है। इस बीच फसल में थोड़ा थोड़ा करके लगातार सिंचाई करनी चाहिए। अंतिम सिंचाई फसल के उखाड़ने से कम 10 से 15 दिन पहले कर दें। खेत की तैयारी के समय हाइड्रोजेल का उपयोग करने से सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है, जिससे पौधे भी स्वस्थ रहते हैं और पानी की बचत भी होती है। पहली और अंतिम सिंचाई को छोड़कर हर सिंचाई में जीवामृत का प्रयोग जरूर करें।